हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में सीयूईटी को लेकर क्या अपडेट है, यानी बैचलर प्रोग्राम में जितने भी जामिया में कोर्स हैं, आपको ये बात पता ही है कि कम से कम 8 से 10 कोर्स ऐसे हैं जो जामिया का सीयूईटी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल में रिलीज़ करा गया था वही कि सिंपली जो एनटीए है वो साफ मना कर रहे हैं, वो उनका कहना है कि सिर्फ सेलेक्टिव कोर्स के लिए सीयूईटी में नहीं होगा, आपको पूरा कोर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या पूरे कोर्स के लिए जो है यूजी में जितने भी कोर्स हैं उन सभी के लिए आपको सीयूईटी का एंट्रेंस लेना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर फाइनली जामिया ने क्या करा है, कल जो है जेटीए यानी जामिया टीचर एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग को अभी पब्लिकली बताया नहीं कि क्या डिसीजन लिया गया, बस उसमें मीटिंग में यही पॉइंट रखा गया था कि बाकी जो कोर्स है जामिया में क्या वो कोर्स सीयूईटी में शामिल किया जाए नहीं या सीयूईटी में दिया जाए या नहीं उस पर। लेकिन फाइनली ये है कि आज से कल तक मैंने जामिया का जो ऑफिशियल उनसे बात किया था वो कहना चाह रहा है कि आज से कल तक जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स है, मतलब पहले तो 8 से 10 कोर्स जा ही चुके हैं लेकिन बाकी कोर्स को लेकर फाइनल आपको इस वीक में पता चल जाएगा, यही उनका कहने का मतलब था। पता चलने के मतलब ये कि सिंपली वो अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज करेंगे, जामिया जो अपना एक गाइड रिलीज करेंगे या प्रोस्पेक्टस रिलीज करेंगे, जिस तरीके से आपको पता ही है कि आपको पता है यहाँ पे कि ऑलरेडी जो जामिया ने जो 8 से 10 कोर्स जो अडॉप्ट करा है उसमें इन्होंने बताया है कि हाँ भाई कौन कौन से कोर्स किए। तो इस तरीके से बाकी कोर्स लाइक वो बी एल एल बी हो गया, बी कॉम्स हो गया, ये जितने भी कोर्स है यूजी प्रोग्राम में उन सबको लेकर 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे क्वेरी आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पे परेशान भी है, तो 1 से 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इस पर जामिया काम कर रही है। बाकी वही आने वाले जो अपडेट आता है, अगर जैसे ही अपडेट आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर एसोसिएशन का मीटिंग कल हो चुका है, अब फाइनली यही होगी कि आप सभी को एज अ नोटिस के रूप में या गाइड के रूप में उनका रिलीज़ किया जाएगा, उसी के रूप में आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। बाकी ये है कि आप जैसे मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही तैयारी अभी रखिए, तैयारी बंद मत करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ने अपने हिसाब से ही एलिजिबिलिटी रखा है, तो आपको ये समझना होगा। जैसे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, कोई स्टूडेंट्स अगर BLLB के लिए देना चाहता हो तो याद रखिए उसको एटलीस्ट जो है इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा जो है उसको मतलब मान के चलिए इंग्लिश तो किसी हाल में पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद अगर बात करें तो एप्टीट्यूड हो गया, ये एप्टीट्यूड हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा जनरल टेस्ट की हो सकता है कि उसको देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं फिलहाल ये कहूँगा कि अभी 2-4 दिन सभी स्टूडेंट्स पेशेंस के साथ वेट कर लें, सारी चीज़ें 2-4 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।